नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं प्रोटीन की। आज हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे हाई प्रोटीन वेज फूड यानी इंडियन फूड जो हमें नॉर्मली मिल जाते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह बच्चों से लेकर के बड़ों तक यानी हर उम्र के लिए अलग अलग मात्रा में लिया जाना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे खाने में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? आपको यह जानकर के ताज्जुब होगा कि 80% इंडियन लोग प्रोटीन की कमी, मतलब उनमें प्रोटीन की कमी होती है। जिनमें से 91% मांसाहारी हैं, नॉन वेज वाले हैं और 85% वेज वाले हैं यानी शाकाहारी लोग हैं। अब हम आपको बताते हैं कि प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है। प्रोटीन की कमी के कारण हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, कम होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, नाखून कमज़ोर हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, वज़न कम होने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, चोट या जो जख्म होता हुआ ठीक से नहीं हो पाता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, नींद नहीं आती है, सिर दर्द जैसी समस्याएँ होने लगती हैं। ये सभी प्रोटीन की कमी के लक्षण हैं। जो प्रोटीन होता है वह वज़न यदि घटाना है तो भी हमें खाना है, और अगर वज़न बढ़ाना है तो भी हमें प्रोटीन लेना ज़रूरी है, प्रोटीन खाना जरूरी है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसे हमें अपनी डाइट में शामिल करना ही पड़ेगा। प्रोटीन में 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। इसमें से 8 अमीनो एसिड होते हैं वह काफ़ी आवश्यक होते हैं, जो हमें भोजन से मिलते हैं, जो हम खाते हैं उससे मिलते हैं। बाकी के जो 12 होते हैं वह सामान्य तरह के होते हैं, जिसे शरीर जो होता है वह अपने आप बना लेता। प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, एक जो जल्दी पचता है, एक जो देर से पचता है। यदि हम बात करें जो दूध की, तो दूध में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता, केसिन प्रोटीन, जो कि थोड़ा सा देर से पचता है, शरीर को शक्ति लगानी पड़ती है इसे पचाने के लिए। प्रोटीन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। मांसपेशियों को ताकत देना है, हड्डियां मजबूत करना है, टिश्यू की मरम्मत करना है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, इन सब के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि महिलाओं को करीब करीब डेली 46 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए और पुरुषों को 56 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए। डेली कई हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, फिटनेस वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारे शरीर द्वारा ज़्यादा कार्य करने के लिए इसमें कहीं ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण भी है, हमको हर दिन आहार में पर्याप्त प्रोटीन लेना ही चाहिए। कितना लेना चाहिए यह आपके वजन, आपकी आयु, आपका स्वास्थ्य कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अब प्रोटीन है, प्रोटीन हमें किस तरह से मिलता है? हमें प्रोटीन 2 तरह से मिलता है। पहला तो हम पशु जो होते हैं, पशु स्रोत होता है। दूसरा पौधों का स्रोत होता है, 2 तरह से मिलता है। नॉन वेज जो होता है, चिकन होता है, मुर्गी हो गए, मछली हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब क्या है, एनिमल्स सोर्स के द्वारा हमें मिलता है। जबकि वेजिटेरियंस में क्या होता है कि जैसे प्लांट्स होते हैं, सब्जी भाजी नट्स, बीज हो गया, आलू हो गया, अनाज हो गया, फलीज हो गई, ये सब क्या होता है, पौधे मतलब प्लांट्स के थ्रू हमें मिलता। अब हम आपको बताते हैं कि 10 हमारे बेहतरीन वेज फूड्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध आ गया, पनीर आ गया, दही आ गया, बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है। दूध में न केवल कैल्शियम होता है बल्कि यह इसमें प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है। यदि आपने एक गिलास सुबह पी लिया तो आपको दिन भर आपको तरोताज़ा रखेगा, ऊर्जावान रखेगा। दही में भी बहुत कैल्शियम होता है, इसमें प्रोबायोटिक होता है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन भी मिलता है। दही के साथ साथ जब हम उसको मथ देते हैं तो छाछ मिलता है, वह भी बहुत ज़्यादा उसमें पौष्टिक होता है, उससे भी हमें प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है। दही से करीब करीब 14 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है। पनीर में भी हमें बहुत प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, इसमें भी प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसमें हमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व ही मिलते हैं,
इसमें जो प्रोटीन होता है वह धीमा पचने वाला होता है। इसके खाने से आपको लंबे समय तक पेट भरा भरा रहता है, वजन बढ़ाने से रोकता है। यही कारण है कि जो खिलाड़ी होती हैं वजन घटाने के लिए जो यूज़ करते हैं वह हमेशा इस तरह का पनीर खाते हैं। पनीर में विटामिन B1, B3, B6 के साथ साथ विटामिन ए, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, तांबा आदि मिलता है। इसके बाद हम आते हैं दालों के बारे में। शाकाहारियों के लिए दालें प्रोटीन की एक प्रसिद्ध स्रोत है। दालों को प्रोटीन का खजाना माना गया। कोई भी दाल हो, जैसे अरहर हो, मूंग हो, मसूर हो, चना हो, उड़द हो, कोई भी दाल हो, उसमें भरपूर प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है। प्रोटीन के अलावा भी इसमें बहुत सारे पोषक तत्व और खनिज पदार्थ मिलते हैं। फाइबर मिलेगा, फोलेट मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे। तो दालें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसमें सब कुछ मिल जाता है। इसके बाद आता है सब्जियाँ। शाकाहारी हैं तो आप सब्जियों के द्वारा भी प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ सब्जी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। पालक है, पालक में आयरन के साथ साथ प्रोटीन हाई मात्रा में मिलता है। लिम्बा बीन्स होती है, जो सेम की फली होती है, फली के जो दाने होते हैं उसको खाइए, उसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ प्रोटीन भी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। ब्रोकली में भी बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें फाइबर, कैल्शियम, कब्ज, आयरन, विटामिन ए, B, C सभी मिलता है। इतना नहीं है, आपके सेवन के लिए शरीर के प्रोटीन की मात्रा को कमी नहीं होने देता है। इसके अलावा होता है सतावर या सतावरी। इसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत अधिक होता है, बहुत हाई होता है। इसमें विटामिन बी, फोलेट, कापर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैंगनीज, विटामिन ए, बी सभी मिलते हैं। मक्का को भी खाना चाहिए, इसमें भी प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। आलू में भी आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। कटहल खाइए, कटहल में भी आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। इसमें विटामिन 6 भी मिलता है। इसमें फाइबर, विटामिन ए, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। मशरूम खाने से हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्रोटीन का सोर्स अच्छा स्रोत तो है ही। मटर में भी प्रोटीन मिलता है। फूल गोभी में भी प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और पोषक तत्व होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, फ्लोलेट, ओमेगा 3, फैटी एसिड, बायोटिन, नियासिन, मैग्नीशियम का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। अब हम इसके बाद आते हैं मूंगफली की, यानी पीनट की। पीनट के साथ साथ में आप पीनट बटर आता है, वह भी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें फाइबर भी मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, अन्य जो भी हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व होते हैं भरपूर मात्रा में मिलेंगे। प्रोटीन में बहुत हाई होता है, कैलोरी भी बहुत ही हाई होती है, इसलिए जब इसे खाएं तो थोड़ा संभल करके खाइए कि आपकी कैलोरी ज़्यादा ना हो जाए। कैलोरी फैट को बढ़ाती है। इसके बाद में आता है राजमा। लोबिया यानी चावला फली, इन दोनों में भी जो प्रोटीन होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है। हफ्ते में करीब करीब एक दिन आपको ज़रूर खाना चाहिए। जो लोग मांस नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, उन्हें राजमा और चावला फली ज़रूर खाना चाहिए। चावला फली और राजमा को यदि आप चावल के साथ खाते हैं तो यह बहुत अच्छा होता है। शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व तो इनसे मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन को जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, वो लोग सोयाबीन को नॉन वेज कहा जाता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, वसा बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। यह हमारे शरीर की कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करता है, शरीर की क्रियाओं को भी बहुत प्रभावित करता है। तो सोयाबीन खाइए, और प्रोटीन की अगर आपको कमी है तो सोयाबीन ज़रूर खाइए। इसके बाद हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, मेवा की। काजू में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम भी होता है, विटामिन के भी होता है। बादाम में भी प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, भरपूर होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फाइबर होता है। बादाम कई तरह से हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। विटामिन ई की मात्रा बहुत अधिक होती है। मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए कम से कम 61% मैग्नीशियम की कमी सिर्फ बादाम ही पूरा कर देता। अखरोट भी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत माना गया है।
आलू बुखारा, सूखा जो आलू बुखारा होता है वह भी प्रोटीन से समृद्ध होता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, खनिज होते हैं, मिनरल होते हैं, विटामिन होते हैं। पिस्ता भी में भी बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। किशमिश में भी बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। किशमिश में तो नॉन सॉल्युबल और सॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर भी होते हैं। किशमिश की शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, तो आप अगर ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं तो शाम के स्नैक के साथ में इसे बेस्ट माना जाता है। अब हम आते हैं बीज की, सीड्स की। जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनमें भी बहुत हाई प्रोटीन होता है। इनमें हाई प्रोटीन के साथ साथ में बहुत अधिक मात्रा में कैलोरी भी होती है, इसलिए इन्हें सीमित मात्रा में खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, 1-2 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कद्दू के बीज हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, चिया सीड हो गया, तिल हो गया, इन सब सीड्स में प्रोटीन जो होता है भरपूर मात्रा में होता है। अब हम बात करते हैं ओट्स की। आमतौर पर ब्रेकफास्ट के दौरान ओट्स खाया जाता है। यह ओट्स भी प्रोटीन का शानदार स्रोत है। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी बहुत होता है। आप इसे दोनों टाइम खा सकते हैं। अब हम लास्ट में आते हैं 10 अंकुरित अनाज। जो अनाज होता है उसे एक रात पहले भिगो देते हैं, उसके बाद जब उसमें से जो अंकुरित हो जाते हैं उसे हम अंकुरित अनाज कहते हैं। अंकुरित अनाज जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मूंग की दाल हो गई, इसमें प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है। प्रोटीन के अलावा इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। 1 कप अंकुरित अनाज में आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। आप इसे कच्चा खा सकते हैं, सैलड के साथ खा सकते हैं, फ्रूट्स के साथ खा सकते हैं। आप चाहें तो अंकुरित अनाज को उबाल करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने जाना 10 बेस्ट प्रोटीन फूड्स। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।